मरकच्चू प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरकच्चू में पदस्थापित चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा मरकच्चू प्रखंड के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण चिकित्सकों से जांच के नाम पर मोटी रकम वसूले जाने का मामला प्रकाश में आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोडरमा उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देशानुसार कोडरमा सिविल सर्जन डॉक्टर डीपी सक्सेना के द्वारा पत्रांक 410 दिनांक 31 मई 2022 के आदेशानुसार मरकच्चू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप बैठा के द्वारा टीम गठित की गई। जानकारी अनुसार गठित टीम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरकच्चू के आयुष डॉक्टर दिनेश कुमार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरकच्चू के प्रधान लिपिक जयप्रकाश सिंह एवं ड्रेसर पंकज कुमार राणा और पप्पू राणा को बनाया गया था। गठित टीम के द्वारा बगैर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल को जानकारी दी एक क्लिनिकों की जाँच कार्य किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में निजी नर्सिंग होम एक्ट के तहत बिना नोडल अधिकारी की नियुक्ति किए बिना ही नर्सिंग होम संचालकों एवं क्लिनिक संचालकों को कार्रवाई व सीलबंदी का भय दिखाकर भारी भरकम की लेन देन कर मामले को रफा दफा कर लिया गया। प्रखंड के लगभग आधा दर्जन क्लिनिक के संचालकों, दवा दुकानों के दुकानदारों एवं ग्रामीण चिकित्सकों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरकच्चू में पद पर स्थापित प्रधान लिपिक जयप्रकाश सिंह, डॉक्टर दिनेश कुमार एवं पंकज कुमार राणा और पप्पू राणा के द्वारा जांच के नाम पर मोटी रकम 10,000 से लेकर 40,000 तक की वसूली की गई, जो जांच का विषय है। वहीं प्रखंड में चल रहे इस कारनामे का खबर दिनांक 9 जुलाई 2022 को कई अखबारों में प्रमुखता से खबर छापी थी, जिसे प्रखंड से लेकर जिला तक के लगभग सभी पदाधिकारियों ने खबर को पढ़ा, लेकिन मामले की जाँच करने की बजाय चुप्पी साधने का कार्य किया, जिसे लेकर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों में काफी रोष भी देखने को मिल रहा है। सूत्रों से पता चला कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्रदीप बैठा के द्वारा गठित टीम को रद्द कर दिया गया। इस संबंध में जब चिकित्सा प्रभारी प्रदीप बैठा से पूछे जाने पर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए बताया कि जिन जिन लोगों के द्वारा रुपया दिया गया है वो संचालक अस्पताल आकर आवेदन दे कार्रवाई की जाएगी। ऐसी हालत में प्रखंड के कौन से क्लिनिक संचालक आवेदन देने की हिम्मत करेंगे। वहीं इस संबंध में सिविल सर्जन कोडरमा से दूरभाष के जरिए संपर्क साधने की कोशिश की गई, मगर संपर्क नहीं हो पाया। कोडरमा से इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? रामेश्वर विश्वकर्मा। रामेश्वर विश्वकर्मा, तो आपके यहाँ क्लिनिक जांच के लिए हॉस्पिटल से पदाधिकारी लोग आए थे? हाँ आए थे। तो क्या क्या किए उन लोग आकर के? उन लोग मेरा मोबाइल ले लिए, उसके बाद पूरा दुकान का लाइसेंस देखे, और लाइसेंस देखने के बाद सब बोले, उसके बाद कुछ मैंने मेरा फर्स्ट एड का जो औजार था वो देखे, उसके बाद उन लोग फोटो वोटो ले लिए, उसके बाद कहा कि आप क्लिनिक चलाते हैं, डिलीवरी कराते हैं तो डिवोर्सन करते हैं, ऐसा करके हमसे वो पैसा ठग लिए। लगभग कितना पैसा ठगे सर? लगभग 40,000 रुपया का। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा लालन कुमार रविदास हुआ। आपके यहाँ दवा स्टोर जांच में कहाँ से पदाधिकारी लोग आए थे? जैसे हम हॉस्पिटल मरकच्चू से आए थे, उसके बाद गाड़ी 5 मिनट के बाद आगे खड़ा किया, मेरे पास में कोई अनुभव आदमी मैंने सिविल ड्रेस में आए थे, उसके बाद फिर हमसे क्वेश्चन किया गया कि थोड़ा हमको यूरिक एसिड टेस्ट करवाना है, पेन किलर पूरा शरीर में दर्द कर रहा है। हम बोले कि ठीक है, हो जाएगा टेस्ट। उसके बाद फिर वो क्वेश्चन करने लगे, वो रिपोर्ट कितना देर के बाद दीजिएगा, फिर हम आपको उनको बोले, फिर बोले हम 1-1.5 घंटा के बाद हम रिपोर्ट देंगे। उसके बाद फिर वो बोलने लगे, बोला अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर मेरे माइक्रोस्कोप दोनों ले गए झोला में डाल के, उसके बाद फिर हम 15 रुपया के जाके फिर हम झोला एक ठो खरीद के लाएँ, उसके बाद फिर इसको झोला में हम डाल दिए। उसके बाद फिर वो हमसे रिक्वेस्ट करने लगे, बोला आप हॉस्पिटल पहुँचिए। हॉस्पिटल फिर हम पहुँचे, उसके बाद फिर इसको पैसा फिर हम तुरंत दे रहे थे, 2 से 3 हज़ार रुपया हम दे रहे थे। उसके बाद फिर वो मेरा बात फिर नहीं माने, उसके बाद फिर रिटर्न हम आए, एक आदमी को और साथ में लेके गए थे, उसका नाम शंकर विश्वकर्मा है। उसके बाद फिर वहाँ पे फिर पैसा दिए हम, 7,000 और दिए, 7 के 8,000 और दिए। उसके बाद फिर हम रिटर्न चलाएँ, उसके बाद फिर वो हमको सेपरेट में साइड में ले के और फिर बोला कि आप मेरा नाम नंबर और नाम मेरा याद रखिए, उसके बाद फिर आपको हम पैसा यहाँ से निकलेंगे कभी हम कॉल में, उसके बाद आपको हम खबर कर देंगे, आप शटर बंद कर दीजिएगा, आप साइड हो जाइएगा, बस इतनी बात हुआ। कुल मिला करके कितना पैसा लिया गया आपसे? कुल मिला के हमसे 7 से 8 हज़ार रुपया लिया गया, और फिर हमसे कांटेक्ट में रहा तो बोला कि फिर हम आएंगे तो फिर आपको हम इति करें। हम बोले कि आपको मेरा लिस्ट में नाम के दिया, बोले 119 डॉक्टर का नाम है। कौन कौन आए थे आपके पास? मेरे पास में वो नाम हम जब उसको पूछे हैं तो नाम बोला कि राम बहादुर दास बोला,
हम उससे पूछे हैं कि राम बहादुर दास बोला, उसके बाद हम बोले कि आप मेरा ही कास्ट का आदमी है, बोला कि हाँ मेरा नवागढ़ में रिलेशन भी है, कोई मैंने रविदास का नाम लिया। फिर हम पता लगाने के लिए नवागढ़ जब पहुँचे, उसके बाद फिर हमको समझ में नहीं आया वो आदमी, फिर हमको मिला नहीं नवागढ़ में। उसके बाद इन्हीं से फिर हम पूछने लगे, तो फिर ये हमको दबाव में मैंने बोलने लगे, बोल क्या ज़रूरी है आपको इतना पूछना, खोज खबर करना। उसके बाद वो सब चले गए। क्लिनिक जांच के नाम पर आपके साथ क्या क्या किया गया और क्या क्या हुआ, बताइए। उधर से दो आदमी आए, हम तो पहचानते नहीं थे वो लोग को, वो लोग आए बोले बोल आपका लाइसेंस दिखाइए, और तो हमने लाइसेंस दिखाया अपना दुकान का, तो बोला लाइसेंस दिखाने के बाद बोले कैश मेमो दिखाइए, हमने कैश मेमो भी दिखाया, तो बोले ठीक है। फिर बैठे 10 मिनट, उसके बाद फ़ोटो वोटो लेने लगे, फ़ोटो लेने के बाद बोले कि अब जो भी है ठीक है, बाकी खर्चा वर्चा देना पड़ेगा। हम बोले मेरे पास पेपर ऊपर सब है तो फिर खर्चा किस काम का, तो बोले नहीं वो तो देना ही पड़ेगा क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है जांच का, तो हम लोग जांच में आए हैं तो कुछ खर्चा देना होगा, यही बात हुआ। तो हमने कुछ खर्चा वर्चा दे के फिर वहाँ से चले गए। क्या खर्चा दिया गया आपके द्वारा? मेरे द्वारा 20,000 खर्चा दिया गया उनको। कौन कौन आए थे कुछ बता सकते हैं? उसमें से हम किसी का नाम नहीं जानते हैं, दो आदमी थे मेरे पास आए थे, सो हमको तो नाम नहीं पता, नहीं हम पहचानते थे वो लोग को, नया नया आदमी थे। वो लोग बोले कि हम लोग मरकच्चो हॉस्पिटल से आए हैं जांच में। बताइए क्लिनिक जांच के नाम पर आपके साथ क्या क्या किया गया? तीन अफसर हमारा दुकान के सामने गाड़ी रखे है, उसमें से एक व्यक्ति हमारा दुकान के अंदर घुस गया और इधर उधर देखने लगा और फोटो खींचने लगा। बाद में हमको पूछा है तुम्हारा कागज़ निकालो दुकान के, हम बोले सर हमारे पास तो कोई कागज़ नहीं है, दुकान नया नया है और दुकानदारी भी नहीं है, ऐसी समय बिता रहा है, हम अलग अलग काम कर रहे हैं, उसके साथ इसमें भी थोड़ा समय दे रहा है। उन्होंने बोला है उससे काम नहीं चलेगा, अगर कागज़ नहीं है तो आपको खर्चा पानी इसमें देना होगा, तो हमसे मांगा है 40,000 रुपये आपको देना है। इसी तरह बात करते करते हम नहीं सर नहीं हम ही उतना नहीं सकेंगे, तो 15,000 रुपये में बात फाइनल हुआ है। बोला है ठीक है आप हॉस्पिटल में आइए, हॉस्पिटल के पापुर राणा नाम से जो व्यक्ति था उन्होंने ही हमको हॉस्पिटल में बुलाया है और वो हॉस्पिटल पर पैसा हमसे लिया है। आपसे 15,000 रुपया लिया गया? हाँ 15,000 रुपया हमसे लिया गया। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? बिमल हलदर। आपका शुभ नाम क्या हुआ? उपेंद्र कुमार सिंह। उपेंद्र कुमार सिंह, तो क्लिनिक जांच के नाम पर आपके साथ क्या हुआ बताइए? वो ऐसे बैग लेके आ रहे थे, गाड़ी में था बैग मेरा, थोड़ा था दवाई था, उधर से आया खोजने के लिए उपेंद्र सिंह कौन है, हम बोले हम ही है, बोला कागज दिखलाइए, तो हम बोला कागज मेरे पास है तो घर पे है, लाने जा रहे हैं तो ठीक है लेकर आइए। हम उसके बाद बोला नहीं हटना नहीं आपको यहीं रहना, तो यहीं रुक गए, बोला कि नहीं होगा पैसा वैसा दे के फाइनल कर लीजिए, छोड़िए कागज बाद में देखेंगे। तब बोले आप हैं कहाँ के, तो बोले मरकच्चो के, हम लोग को भेजा गया है प्रभारी के द्वारा। लास्ट में फाइनल हुआ तो 20,000-25,000 से 50 डिमांड कर रहे थे, कभी 20 कभी 30, हम बोले 5 से ज़्यादा मेरे पास है ही नहीं, इतना लेना है तो लीजिए नहीं तो जाइए जो करना है कर दीजिएगा। फिर 5 नहीं ले रहा था, जबरदस्ती फिर लिया और लेके चला गया। 5,000 रुपया आपसे लिया गया? जी। उनमें पहचानते कौन कौन थे सर? पहचान में तो नहीं आया, लेकिन लोग बोल रहा था कि वहीं का कोई स्टाफ है, नाम शायद पप्पू विश्वकर्मा है, बाद में पता लगा पूछने पर तो पप्पू विश्वकर्मा ही पाया गया उसको। आपको डॉक्टर भी थे? डॉक्टर तो नहीं थे कोई, अब साथ में 2 जने और थे लोगों की, उन लोगों की पहचान हम लोगों की तरफ से नहीं हो पाई, इसको विशेष रूप से लोग पहचाना बाद में। क्या मामला है कि प्राइवेट क्लिनिकों की जांच के नाम पर पैसा लिया गया है, क्या कहेंगे इस पे, आपकी तरफ से क्या कहना है? पैसा नहीं लिया गया। कई क्लिनिक वालों का आरोप है कि पैसा लिया गया है। नहीं ना, अफवाह है। अफवाह है। आप लोग जांच करने गए थे, क्या जांच में पाए हैं?
कितने नर्सिंग होम गलत तरीके से चल रहे हैं मरकच्चों में? तो प्रभारी से बात हुआ ना, अभी गए थे सर जांच टीम में। हाँ, आदेश मिला था। क्या पाए? जानकारी हम तो डॉक्टर के साथ गए थे। क्या नाम हुआ आपका? दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।